आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटर मिन्स, जो कि बहुत इजी और बहुत झटपट बनेगा। और ये इसके जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत टेस्टी बनेगा। उसके लिए देख लेते हैं किन अज़ा की जरूरत है। नमक 1 टीस्पून, हुस्न धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, साबुत जीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, 5 अदद मैंने टमाटर लिए उनको क्यूब्स में काट लिए, अदरक लहसुन पेस्ट ये है मेरे पास चॉप किया हुआ है तकरीबन 1 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून मेरे पास है सब्ज़ धनिया, 2 मैंने बड़े साइज के प्याज ले लिए थे और उनको मैंने चॉप कर लिए, 3 अदद सब्ज़ मिर्च थी उनको मैंने चॉप कर लिए और 2 मैं साबुत रखूंगी, और कुछ ये खुश्क मसाले हैं, 1 तेज़पत्ता, 5 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची और 1 बड़ी स्टिक मैंने ली थी दालचीनी की, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिए। मटन मैंने लिया है 1/2 kg और ऑयल इसमें जाएगा हसबे ज़रूरत। ये इसके सिंपल इंग्रेडिएंट हो गए। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर तकरीबन मैंने 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल डाल दी है। ऑयल डालने के साथ ही हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स किया, आंच मैंने इसकी मीडियम लो रखी हुई है और इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेती हूँ। प्याज को भूनते हुए मैं तकरीबन 5 मिनट हो गए, ठीक है, इससे ज्यादा कलर चेंज नहीं करना। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। आप चाहें तो कीमे को पहले से थोड़ा सा बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी कच्चा कीमा रखा हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है। अगर ये फ्रिज का होता तो फिर आप इसको थोड़ा सा वेट लगा सकते हैं, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए वेट लगा लें, कीमा अच्छा गल जाएगा, लेकिन मैं फ्रेश कीमे का बना रही हूँ तो इस वजह से मुझे इसको वेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसके अंदर मैं सारा कीमा डाल दूँगी। मैंने इसके अंदर से जितना इसका ब्लड है पहले से ही मैंने सारा स्ट्रेन किया हुआ है। मैंने कीमे को अच्छे तरीके से इसके अंदर प्याज और लहसुन में मिक्स कर लिया, ठीक है। अभी हमारे जो साबुत मसाले थे वो भी डाल देंगे हम साथ ही। जब हम इसको भूनेंगे तकरीबन 5-10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है, तो साथ ही इन मसालों की भी खुशबू इसमें हो जाएगी और जो इसकी एक महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए जब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखें मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, और ये देखें मैंने इसकी मीडियम लो आंच की हुई थी, इसका पानी निकलना शुरू हो गया, बस हमने इतना ही भूनना है इसको। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, सब्ज मिर्च डाल देंगे कटी हुई और ये सारे मसाले डाल देंगे और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। इनको मिक्स करने के बाद अब हम इसकी आंच लो कर देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। चलो जी, मसाले आपने सारे अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। मैंने इसके ऊपर लेड रख दी है और मैंने इसकी लो आंच कर दी है। लो आंच के लिए मैंने लो आंच पर रखते हुए मैंने आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख दिए। मटन कीमा बन के हमारा रेडी हो गया और ये बहुत मॉइस्ट और बहुत सॉफ्ट बने। आप इसको रोटी के साथ या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने प्याज सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च के साथ गार्निशिंग करके आपको दिखाया है, और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर दम पे भी आप इसको डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें नमक मिर्च कम है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इंग्रेडिएंट सेम रखना और आप भी मुझे बताना आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो से आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।